सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे देखेंगे एक प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर देखें ऑल फोटोज, यहाँ पे क्लिक करना है। और सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो ये वाला बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, इस बैकग्राउंड को ऊपर आपको अपने फोटो लगाना है, पीएनजी इमेज एड फोटो पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपको अपने फोटो का पीएनजी इमेज ऐड करना है, इस तरह से आप ऐड कर ले। ऐड करने के बाद इसको खींच के बड़ा करके आपको चेयर के ऊपर बैठा देना है, कुछ इस तरह से। बैठाने के बाद अब इसमें शेडो देना है। शेडो देने के लिए इधर लेफ्ट साइड में देख, राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक शेडो का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस शेडो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखें दो पॉइंट है, इसको ऊपर नीचे करके आप अपना शेडो को एडजस्ट करें। और यहाँ पे नीचे देखें एक पोजिशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपना शेडो का पोजिशन को सेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद यहाँ पर राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब क्या करना है, इसमें एक पीएनजी और लगाना है। तो इसके लिए आपको फिर से इधर ऐड फोटो पे आना है, इधर स्लाइड करना है, ऐड फोटो को ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक और पीएनजी इमेज को ऐड करना है, कुछ इस तरह से। ऐड करने के बाद इसे खींच के बड़ा करके अपने हिसाब से इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें, कुछ इस तरह से। एडजस्ट हो जाने के बाद इसका भी शेडो देने के लिए यहाँ पर शेडो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से शेडो को, ये दो पॉइंट है, ऊपर नीचे करके शेडो को एडजस्ट करना है। और नीचे पोजीशन का ऑप्शन है, पोजीशन पे क्लिक करके शेडो को पोजीशन अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें। एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे राइट के निशान है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, हाथ के पास आपको अपने AK-47 वाला गन लगाना है। तो एड इमेज पे आना है और यहाँ से आपको AK-47 को ऐड करना है, कुछ इस तरह से। ऐड होने के बाद इस गन को रोटेट करके इस तरह से आपको अपने हाथ के पास अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। अब देख सकते हैं किस तरह से मैंने एडजस्ट किया, इसी तरह से एडजस्ट करना है। अब ओपेसिटी को कम करना है, कुछ इस तरह से। ओपेसिटी कम करने के बाद इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर से नीचे इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। हार्डनेस, ओपेसिटी, साइज, तीनों को इस तरह से हल्का हल्का कम कर लेना है। कम करने के बाद जो इसमें एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका उंगली के ऊपर गन है, इसको आपको इरेज करना है। तो आप इस तरह से इरेज कर ले, यहाँ पे देख सकते हैं मैं कहाँ कहाँ इरेज कर रहा हूँ, सेम इसी तरह से आपको अच्छी तरह से इरेज कर लेना है। इरेज होने के बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। अब ओपेसिटी को फुल कर देना है। फुल करने के बाद फिर से आपको इरेज वाला ऑप्शन पे आना है, इस पर क्लिक करके फिर से नीचे इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस बार फिर आपको साइज, हार्डनेस, ओपेसिटी कम करके आपको देखना है कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। अगर कुछ छूट गया है तो आप इसे इरेज कर लें। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर कुछ कुछ छूटा है, तो मैं इस तरह से इरेज कर लेता हूँ। इरेज हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर देखें यहाँ पे राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। फिर इधर राइट का निशान देख सकते हैं, यहाँ से आपको ओके करना है। ओके होने के बाद अब क्या करना है, आपको नीचे पैर के पास शेडो देना है ताकि आपका फोटो और भी रियल लगे। तो यहाँ पर शेडो देने के लिए आपको इधर राइट साइड में देख सकते हैं टूल्स का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखें फर्स्ट में ब्राइटनेस है और उसके लेवल को आपको नीचे लो कर देना है। उसके बाद इधर देख सकते हैं इरेज का ऑप्शन है, इरेज पे क्लिक करना है। लास्ट में इन्वर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और सेकंड में देख सकते हैं रीस्टोर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। दोबारा से क्लिक करके हार्डनेस, ओपेसिटी, साइज, तीनों का आपको इस तरह से कम करना है। उसके बाद फोटो को जूम करके आपको पैर के नीचे आपको शेडो बनाना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से शेडो बना रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी शेडो बना लेना है। उसके बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। फिर इधर देख सकते हैं राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके करना है। अब क्या करना है, गले के पास आपको ब्लर देना है, इसके लिए ऐड फोटो पे आना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ब्लर वाला पीएनजी इमेज को ऐड करना है। अब देख सकते हैं ध्यान से, अब इसे छोटा करना है और फोटो को बड़ा करके आपको गन के मुंह के पास इस तरह अच्छी तरह से गले के पास सेट करना है। उसके बाद स्लाइड करके ब्लेंडिंग में आना है और यहाँ से आपको ओवरले कर देना है। उसके बाद अब इसमें इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से नीचे इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। हार्डनेस, ओपेसिटी, साइज, तीनों को इस तरह से कम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है हल्का हल्का, आपको उस तरह से हल्का हल्का इरेज कर लेना है ताकि ये पूरा रियल लगे, इस तरह से इरेज करना है। इरेज हो जाने के बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। फिर इधर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लड लगाना है, फिर से ब्लड लगाना है। तो ऐड फोटो पे आना है, यहाँ से आपको ब्लड वाला, ये वाला ब्लड इमेज को आपको ऐड करना है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर कौन सा ऐड कर रहा हूँ, यही वाला आपको ऐड करना है। अब इसे छोटा करके फोटो को बड़ा करके आपको यहाँ पे जहाँ पे गन लगा हुआ है ठीक उसी जगह पे आपको एडजस्ट करना है, कुछ इस तरह से। एडजस्ट होने का फिर से इधर स्लाइड करके ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और इसे
आप फोटो को जूम करके अच्छी तरह से उसको एडजस्ट करना है, कुछ इस तरह से एडजस्ट होने के बाद अब इसमें इरेज करना है। इरेज वाले ऑप्शन पे आना है, फिर से नीचे इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, हार्डनेस ओपेसिटी साइज तीनों को कम करना है। अब आपको यहाँ पे आपको हल्का हल्का इरेज करना है, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से इरेज कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी इरेज कर लेना है। इस तरह से इरेज होने के बाद ऊपर देखे राइट का निशान है, ओके करना है। इधर राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके करना है। अब आपको क्या करना है, फिर से इधर स्लाइड करना है, एड फोटो पे आना है और आपको इस बार ये ब्लड स्प्लिटेड वाला इमेज है इसको ऐड करना है। इसको रोटेट करके आपको गले के इस साइड में ले आना है ताकि ऐसा लगे कि जब बंदूक लगे तो ब्लड का छींटा लगे। इरेज वाला ऑप्शन पे आना है और फिर से हार्डनेस ओपेसिटी साइज तीनों को कम करना है और हल्का हल्का आपको इरेज कर लेना है स्टार्टिंग में कोना में, तो इस तरह से आपको इरेज कर लेना है। इरेज हो जाने के बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। फिर इधर राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके करना है। अब इसमें क्या करना है, बुलेट लगाना है बंदूक का गोली। इसके लिए एड फोटो पे दोबारा से आना है, यहाँ से आपको बुलेट वाला इमेज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इस तरह से ऐड कर ले। अब इस बुलेट को रोटेट करना है, तो यहाँ पे देखा फ्लिप रोटेट ऑप्शन है, यहाँ से आपको थर्ड नंबर और ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इस बुलेट को क्या करना है, छोटा करके आपको यहाँ पे सीधे गले के पास इस तरह से सेट कर देना है, लगा देना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे किस तरह से लगा रहा हूँ। इस तरह से लगाने के बाद ओके कर देना है। अब क्या करना है, बुलेट के ऊपर भी आपको ब्लड लगाना है, तो इसके लिए फिर से एड फोटो पे आना है और यहाँ से आपको ये वाला ब्लड इमेज को ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद इसको आप छोटा करके आपको बुलेट के ऊपर सेट करना है। तो फोटो को जूम करके अच्छी तरह से ब्लड को छोटा करके बुलेट के ऊपर इस तरह से सेट कर ले। उसके बाद फिर इधर स्लाइड करना है और यहाँ से आपको ब्लेंडिंग पे आना है और इस बार आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज करना है, तो इरेज करने के लिए यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर से नीचे इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपको साइज ओपेसिटी हार्डनेस तीनों को कम करके आपको जो नीचे जो एक्स्ट्रा पार्ट है ब्लड का उसका आपको इरेज करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से इरेज कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको इरेज करना है। ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। फिर इधर देख सकते हैं राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। इतना होने के बाद अब क्या करना है, नीचे आपको फिर से ऐड फोटो पे आना है और आपको इस बार स्मोक वाला इमेज को ऐड करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से ऐड कर रहा हूँ। अब इस स्मोक को धुएं को खींच के बड़ा करना है और आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एडजस्ट करना है। उसका ब्लैक पार्ट हटाने के लिए ब्लेंडिंग में आना है और यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। अब इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद अब इसको ऊपर ऊपर इरेज करना है। यहाँ पर इरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से इरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हार्डनेस साइज ओपेसिटी तीनों कम करना है और यहाँ पे आपको हल्का हल्का इरेज करना है ताकि आपका पैर इस तरह से हल्का हल्का दिखे। इरेज हो जाने के बाद ऊपर देखें यहाँ पे राइट के निशान है, यहाँ से ओके करना है। फिर इधर देख सकते हैं राइट के निशान है, यहाँ से ओके करना है। अब आपको गन के पास यहाँ गन के मुंह के पास धुएं देना है, स्मोक देना है। तो फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इस बार ये वाला इमेज को ऐड करना है। अब इसको रोटेट करके अपने हिसाब से इसको गन के मुंह के पास इस तरह से एडजस्ट करना है। एडजस्ट होने के बाद अब सेट कर देने के बाद फिर से आपको इसको इरेज ऑप्शन पे क्लिक करना है और किनारे किनारे इरेज कर देना है, हल्का हल्का इरेज करना है। तो इरेज वाला ऑप्शन पे आना है, हार्डनेस ओपेसिटी साइज तीनों को इस तरह से कम करना है। कम करने के बाद अब फोटो को जूम करके आपको किनारे किनारे इस तरह से हल्का हल्का इरेज कर देना है। इरेज हो जाने के बाद अच्छी तरह से उसको एडजस्ट कर ले। एडजस्ट होने के बाद ऊपर राइट के निशान है, यहाँ से ओके कर दे। अब इस फोटो को सेव करना है, सेव करने के लिए इधर स्लाइड करके ड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से ड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इधर देख सकते हैं थ्री डॉट का निशान है, इस पर क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। अब इसमें लाइटिंग इफेक्ट सेट करना है, इसके लिए आपको स्नैपशीट एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से उस फोटो को सिलेक्ट करना है जो आपने अभी पिक्सार्ट से सेव किया था। सबसे पहले पॉप फिल्टर अप्लाई करना है, इससे क्या होगा कि आपका फोटो में HDR लुक आ जाएगा। अब यहाँ पर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। ऊपर पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट में आता है ट्यून इमेज, ट्यून इमेज पे क्लिक करके ब्राइटनेस को इस तरह से कम करना है। फिर ऊपर स्लाइड करके कॉन्ट्रास्ट सेलेक्ट करना है, इससे भी आगे पीछे करके अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। इसी तरह से जितने भी इसमें ऑप्शन है सभी में जाके आपको लाइटिंग अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो किस तरह से लाइटिंग इफेक्ट एडजस्ट होता है, मैंने इसका ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके देख के सीख सकते हैं। डाउनलोड करने के डाउनलोड पर क्लिक करके सेव पे क्लिक